नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पोहा नमकीन या पोहा चिवड़ा जिसे कहते हैं उसकी रेसिपी बनाएंगे। बहुत इजी और फटाफट बन जाता है और कई दिन तक ख़राब भी नहीं होता है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली और इसमें मैंने लगभग 300 ग्राम ये मोटा चिवड़ा लिया है पोहा। इसे हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए लगातार 10 मिनट के लिए भून लेंगे। 10 मिनट में बहुत अच्छे से ये भुन जाएंगे, बहुत क्रिस्प हो जाएंगे। तो आप इसे लगातार चलाएं, इसका कलर चेंज ना होने दें और मीडियम फ्लेम पर रखें। 10 मिनट में ये कुक हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से भुन गया है। आप चेक कर लें इस तरह से, तो अच्छे से टूट रहा है, बहुत क्रिस्पी हो गया है। अब इसे हम एक साइड में निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो बहुत थोड़ा तेल डालना और बहुत सारी नमकीन हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले मूंगफली डालनी है तेल गर्म होने पर, और 2 मिनट तक हमें मूंगफली को भूनना है क्योंकि बाद में और सामान के साथ ये भून जाएगी। अब देखिए, थोड़ी बादाम ली है मैंने, बीच में से काट कर आधी आधी, इसे हम 1 मिनट भून लेंगे। थोड़ा सा वही आधा करके काजू लिया है, थोड़ा सा इसे भून लेंगे हम 1 मिनट के लिए। अब ये देखिए, मैंने हरी मिर्च को बारीक कूट लिया, ये तीखी हरी मिर्च है 2-3, तो आप ये तीखी वाली मिर्च डालें। इसमें थोड़े कड़ी पत्ता डालने हैं और इन सबको हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ज़्यादा नहीं। लास्ट में हम नारियल डालेंगे, थोड़ी सी किशमिश डालेंगे, इसे भी हम थोड़ी देर चलाएंगे 1 मिनट के लिए। अब देखिए, थोड़े से मसाले डालने हैं हमें। ये हल्दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है, काला नमक है और थोड़ा अमचूर है। तो ये मसाले मैंने थोड़े ही लिए हैं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ये परफेक्ट है। आप थोड़े थोड़े मसाले डालें, उससे बहुत अच्छा बनेगा ये। अब इसमें हम पोहा डाल देंगे, मसाले को भी सिर्फ 1 मिनट भूनना है। और ये देखिए, 1 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली है, मिक्सी में पीस लें आप चीनी को और 1 से 2 चम्मच आप डाल दें। उससे एक खट्टा मीठा तीखा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाजार जैसी खट्टा मीठा नमकीन। अब आप यहाँ गैस को बंद कर दें और इसे हमें बहुत अच्छे से मिलाना है। तो गर्म रहते आप इसे अच्छे से मिला लें। और ये देखिए, हमारी बहुत अच्छा पोहा नमकीन, पोहा चिवड़ा तैयार है। ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत सारे और बहुत टेस्टी बनी है, और ये कई दिन ख़राब नहीं होगी। आप एयर टाइट डब्बे में इसे रखिए।